गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करते हैं। ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया, फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम का समय, सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी, पांच बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में शिव कथा कहती है, नंदी का एक पांव जो ऊपर होता है, आप लोग दर्शन करे होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा की ओर होता है। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगे। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुनझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग काम, पर होना चाहिए बृहस्पतिवार की प्रदोष। कौन से बार की? बृहस्पतिवार, गुरुवार की प्रदोष। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, चार प्रदोष, पांच प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष, प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं, उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं, चार या पांच प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता।
शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा प्रदोष। शिवरात्रि, सोमवार, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने दो तीन चार पांच पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में चार या पांच आते हैं। सोमवार प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये पांच दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना राइनोन से हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर जरा विचार करिए। श्री शिवानमस्तु। प्रेम दोस्तों, जैसे कि गुरुदेव देव ने बताया गुरुवार की प्रदोष का उपाय, गुरुवार की प्रदोष के दिन शमी पत्र प्रदोष काल में प्रदोष के दिन अपने घर के शिवलिंग में अगर आप समर्पित कर देती हैं फिर उठाकर उसको रख लेती हैं, ये उपाय आपको 5-6 प्रदोष करना है, तब इसका रिजल्ट देखना कितना अच्छा आता है। और जैसे कि गुरु जी ने बताया, आप लोगों ने सुना होगा प्रदोष काल का उपाय, इसे आप लोगों को करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। श्री शिवानमस्तु।